यह बिल्कुल गलत है। कभी भी नहीं चाहिए है कि आप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के टुकड़े टुकड़े करिए, क्योंकि एक 102 साल पुरानी यह संस्था हैगी है, 102 साल तो सारे प्रबंध चला रही है। इलेक्शन होंगी ना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, तो इलेक्शन लड़के आ जाए। क्या है कि जो इलेक्शन हार गए, हारन तो बाद इन्होंने आख्या कि भाई असी कांग्रेस सरकार ने सोचा कि असं इन्हों वोटा लवेंगे, तो वोट उन्होंने फिर भी नहीं मिली और हूँ भी वोट उन्होंने नहीं मिलनी। जी भी आ चीज़ की कोशिशा कर रहे हैं, वोट उन्होंने हूँ भी नहीं मिली। पहला पढ़न उन्होंने सारिया चीज़ों पढ़नी चाहिए। झंडा साहब दादूवाल साहब आपस सा कोई मतलब नहीं दिख रहा है, किस चीज़ की लड़ाई साडा कोई मतलब नहीं है। जेडे अपने अपने इन्होंने मुफाद होने उन्होंने सोच के वो करते होंगे, साडा कोई ताल्लुक नहीं। जिथे तक यह सवाल है, कहते हैं भी हरियाणे के सिखों हरियाणे सिख वक्री जी कमेटी है, हरियाणे का हक बनता है, लेकिन हरियाणे का हक तो पहले साढ़े कोल है, क्योंकि जिन्हिया भी लोकल कमेटियां ने वो साड़िया इतने की संगत ने चुनिया ने, और संगत के साडे प्रधान ने, और जोड़े मैंबर एस जी पी सी ने, सात गुरुद्वारे ने, उन्होंने वालों असी जोड़े चुने गए हैं, सानू भी लोगों ने इतनी संगत ने चुने, असी भी हरियाणे दियाँ, तो हरियाणे के सिख तो पहले प्रबंध संभाल रहे हैं। संगतां दे विच बहुत भारी रोष है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं जिहड़ी तोड़न की कोशिश है, उहदे अज यह प्रोग्राम अज रख्या गया, सारयां ने इकट्ठे होकर श्री अकाल तख्त साहब ते जाणा, उत्थे जाके अरदास करनी है कि जिहड़ा साडा पंथ है वह सारा इकट्ठा रहे, और जिन्ने भी आ सरकारां कोशिशां कर रही हैं कि असीं इहनूं तोड़िए, इहनूं असीं खराब करिए, यह बिल्कुल गलत है। कभी भी नहीं चाहिए है कि आपां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के टुकड़े टुकड़े करिए, क्योंकि एक 102 साल पुरानी यह संस्था हैगी है, तो 102 साल तो सारे प्रबंध चला रही है। संगतां दे विच सारी तुसी देखो कि अज सारे इलाके चो इकट्ठियां होकर आई हैं, कारां च बसां च भी जा रही हैं, ट्रेन पर भी संगतां जा रही हैगियां ने, सारे ने जाके उत्थे मिल के अरदास करनी कि सारा जिन्ना भी पंथ है वह सारा इकट्ठा रहे। नहीं, हरियाणे नूं इंज हैगा ना जी कि किन्ने गुरुद्वारा साहब हैगे ने, किन्ना प्रबंध है, थोड़ा तुसी उहदे टुकड़े कर दोगे। इलैक्शन होंदी ना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, तो इलैक्शन लड़ के आ जाण। पिछे जो झूठ मार के एक बारी आ बने से उदों मैं सारे हार गए, तो हारन तो बाद फिर इन्होंने आख्या कि भाई नहीं साडा कुछ काम चल रहा, तो उन्होंने सरकार को कह के तो ये टुकड़े टुकड़े करवाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें आप अगेंस्ट किस तरह जा रहे? नहीं, अगेंस्ट ये कई चीज़ा राजनीतिक चीज़ा भी ने, बहुत कुछ हैगा, इस करके श्री अकाल तख्त साहब से असी जाके सारे अरदास करांगे, और उत्थे जाके जो भी उत्थों आदेश मिलेगा असी उन्हें मनांगे कि भाई ये टुकड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। वो तो ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो उन्होंने ड्यूटी है। नहीं, उही गल कह रहे हैं, जो ड्यूटी दे रहे हैं, जो उन्होंने हाले तक उन्होंने क्या हटाया नहीं जाएंगे, जो इस रोस मार्च हिस्सा लेंगे ने, उन्होंने लगता भी उन्होंने दिक्कत खड़ी होगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तुम देखो कि संगतां की अपनी भावना सारे जुड़दी हैं श्री अकाल तख्त साहब के नाल, सेहत जी मिलती है वह अकाल तख्त साहब तो है, साढ़े गुरु साहबान ने बनाया, किसी इंसान ने तो बनाया नहीं है, सो इस करके अपन सारे सेहत श्री अकाल तख्त साहब तो लैके चलन का साढ़े सारे का फर्ज होता। बिल्कुल गलत है, जेडे झूठ मार गए इलेक्शन जदों एक बारी जिते फिर हार गए, आ सारे हरियाणे के सिख नहीं है, कितों बाहरों आए हैं, सारे हरियाणे के सिख हैं, असं आप हरियाणे के हाँ, साडा अपना डोमिसाइल है जो साडा हरियाणे का है, कि बाहर का तो नहीं और किसी होर का, फिर तुम किस तरीके मैं तुम्हें क्या है कि जो इलेक्शन हार गए, हारन तो बाद इन्होंने आख्या कि भाई असी कांग्रेस सरकार ने सोचा कि असी इन्हों की वोटा लवेंगे, तो वोट उन्होंने फिर भी नहीं मिली और हूँ भी वोट उन्होंने नहीं मिलनी। जी भी आ चीज़ की कोशिशा कर रहे हैं, वोट उन्होंने हूँ भी नहीं मिलेगी, उन्होंने फिर इस चीज़ की घाट है, उन्होंने पता नहीं है कि यह गजट छपता है, यदा पूरा एक बजट बनता है, बजट बन के वो डिस्पले होंगे, डिस्पले होने तो बाद सारा बजट जो हाउस में पास किया जाता है, पहला पढ़न उन्होंने सारिया चीज़ों पढ़नी चाहिए। झंडा साहब दादूवाल साहब आपस साडा कोई मतलब नहीं दिख रहा है, किस चीज़ की लड़ाई साडा कोई मतलब नहीं है। जेडे अपने अपने इन्होंने मुफाद होने उन्होंने सोच के वो करते होंगे, साडा कोई ताल्लुक नहीं। साडा पानी ना देखो मेरी गल सुनो, वो एक अलग मसला है, तो धार्मिक मसला पानी का है, धार्मिक संस्था है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तोड़न दी, असीं बिल्कुल नहीं तोड़न देंगे, क्योंकि बड़ी शहीदियां दे के साड़ी जथेबंदी बनी आ,
पहला भी साढ़े गुरद्वार बड़े कुकर्म होंगे सी महंत करते इस करके साडे बजुर्गों ने शहीदियां देके बनाई सी। हुण इह जिहड़ी गल करदे ने लक कमेटी वाले कि जी हरियाणे के सिखां नूं हरियाणा का प्रबंध मिल जाए, एक भी तुसीं पंजाब का दस दो सानूं, जिन्ने मैनेजर ने जिन्ने लोकल कमेटियां के प्रधान ने जिन्ने मैंबर ने सारे हरियाणे के ने। सो इस कोई दो रह नहीं, सिर्फ सियासी तौर पर साढ़े सिखां नूं कमजोर करन दा एक बहुत वड्डा साजिश है। इसनों असी बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। अब तुम देखा सारे पिंडों चलो संगत आई हुई है, अपने वाहन लेके भी गड्डिया लेके लोग अज गए निकल गए हैं। सो इस करके इसमें किसी कीमत भी असं कामयाब नहीं होने देंगे। श्रोमणी कमेटी ने तोड़न की जी गल की जा रही है उसके वास्ते सिखा हरियाणे सिखा भारी रोस है और अजय रोस मार्च अंबाला मंजी साहब गुरुद्वारा तो यह शुरू हो के श्री अकाल तख्त पहुँचेगा, क्योंकि हमेशा ही सरकार ने सिखा कमजोर करने का जरा यतन किया। वक् वक् टाइम से जिहड़ियां सरकार आईया ने उन्होंने हमेशा ही सिखा पाड़न की कोशिश की है, एक सियासी लाहा लैन वास्ते। सियासी लाहे दे करके ही ये जिहड़ा काम है कि जिहड़ा श्रोमणी कमेटी तोड़िया जा रहा है। और जिथे तक ये सवाल है कहिंदे ने भी हरियाणे के सिखा हरियाणे वक्री जिहड़ी कमेटी है हरियाणे का हक बनता है, लेकिन हरियाणे का हक तो पहले साढ़े कोल है, क्योंकि जिन्हिया भी लोकल कमेटियां ने वह साड़िया इतने की संगत ने चुनिया ने और संगत के बीच साढ़े प्रधान ने और जोड़े मैंबर है जी पी सी ने सत्त गुरुद्वारे ने उन्होंने वालों असी जोड़े चुने गए हैं। सानू भी लोगों ने इतने संगत ने चुने, असी भी हरियाणे दियाँ तो हरियाणे के सिख तो पहले प्रबंध संभाल रहे हैं। तो इस कोई दो राय नहीं कि लोग जोड़े ने सियासी लाहा लैन वास्ते सरकार हमेशा जड़िया ने वह पाड़न का यतन कर दें, उस कड़ी के सिखा जो कमजोर किया जा रहा अज उस करके सिख संगत च रोस है। तो इतों सिख संगत जी इकट्ठी होकर कल तक जाएगी, क्योंकि हर सिख जोड़ा चाहे हरियाणे का दुनिया का जिते भी सिख वसद वो कल तख्त के नाल जोड़ा जुड़िया होया, तो अकाल तख्त तू कभी वक् नहीं हो सकता और अकाल तख्त तू जी है सिख को सीध मिलती है, तो उस सीध लैन के वास्ते अज सारा पंथ जोड़ा उत्थे अकाल तख्त अमृतसर जा रहा है।